मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। हमारे कार्यक्रम महेश्वरी का यह प्रोग्राम, यह कार्यक्रम भी हम लोग भगवान महेश की पूजा से आगे बढ़ाएंगे। मैं आदरणीय मंच से निवेदन करता हूँ कि भगवान महेश की पूजा कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करें। धन्यवाद। इस सदन से कराने का मौका मिला है जो किसी परिचय के मोहताज ही नहीं है। श्री राजीव जी दीक्षित, इनका परिचय कराना सूर्य भगवान को दिए की लौ दिखाने के बराबर ही है, परंतु फिर भी जो कार्य दिया है उसे मैं आपके सामने रखता हूँ। आप एक ऐसे शहर से ताल्लुक रखते हैं जहाँ से इस देश को बहुत से महान व्यक्ति मिले हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक महानायक और एक अब जो वर्तमान में सामने खड़े हैं वो महावक्ता अर्थात स्वदेशी जागरण के सक्रिय कार्यकर्ता, जो कि स्वदेशी के विषय पर हमें क्या करना चाहिए, हमारी भावनाएं क्या रहनी चाहिए, इसके विषय में बताते हैं। आपने स्वदेशी विषय पर कई रिकॉर्ड कार्यक्रम लिए हैं तथा यह कार्यक्रम सिर्फ पूरे अपवाद नहीं बल्कि पटना तक के एक ही साथ बोलने का भी लगातार 8 घंटे तक आपने स्वदेशी विषय पर कई बार अपने विचार रखे हैं। आप बाय प्रोफेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, परंतु आप किसी इकोनॉमिस्ट से भी कम नहीं हैं। मित्रों, ऐसे परिचय, ऐसे व्यक्तित्व को का परिचय भी ये स्वयं देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन इनकी जोरदार तालियों से कर स्वागत करें। बीच में मेरा व्याख्यान शुरू करूँ उसके पहले एक दो छोटी छोटी बातें भूमिका के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसको बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप बहुत अच्छे से बात समझ पाएंगे। सामान्य रूप से दो शब्द होते हैं जिनको हम अक्सर अपने व्यवहार में उपयोग करते हैं, एक संस्कृति, दूसरा सभ्यता। हम जब ये संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं तो कई बार हमें खुद भी स्पष्ट नहीं होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। संस्कृति और सभ्यता दोनों एक नहीं है, अगर एक होते तो दो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। सभ्यता कुछ अलग चीज है, संस्कृति कुछ अलग चीज है। सभ्यता और संस्कृति का अंतर अगर हमें मालूम है तो भारत हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर सभ्यता संस्कृति का अंतर नहीं मालूम तो भारत को समझने में तकलीफ होगी, और भारत समझ में नहीं आता। अगर मेरे साथ मंच पर मैं कोई ऐसी महिला का चित्र प्रस्तुत करूं जिसकी साड़ी देखकर आप बता सकें कि ये महिला कहाँ की है, तो आपको ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि यहाँ पर कोई मराठी महिला खड़ी, तो उसकी साड़ी का बांधने का जो स्टाइल है वो आप समझते हैं किस तरह का है। इसी मंच पर एक बांग्ला महिला है, बंगाल की महिला है, आप उसकी साड़ी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बांधने का तरीका क्या है। इसी मंच पर कोई आसाम की महिला है, उसकी साड़ी बांधने का स्टाइल आपको पता चल जाएगा कि ये आसाम की है। इसी तरह से मान लीजिए पंजाबी महिला है, कोई पंजाब की, उसकी साड़ी का जो बांधने का तरीका है वो आपको बता देगा कि ये पंजाब की है। गुजरात की कोई महिला हो,
मतलब ये है मेरे कहने का कि भारत के किसी भी राज्य की महिला की साड़ी बांधने का तरीका देखकर आप बता सकते हैं कि ये किस राज्य की है। तो ये जो साड़ी बांधने का अलग अलग तरीका है, पंजाब का एक तरीका है, गुजरात का एक तरीका है, महाराष्ट्र का एक तरीका है, बंगाल का दूसरा है, आसाम का तीसरा है, साड़ी बांधने का जो तरीका है ये संस्कृति है। और साड़ी जो है वो सभ्यता है। साड़ी बांधने के जो अलग अलग तरीके हैं, बंगाल का एक मैंने आपसे कहा, महाराष्ट्र का एक, आसाम का एक, पंजाब का एक, गुजरात का एक, जो सभी में कॉमन है वो एक ही है, वो सभ्यता है। एक और उदाहरण देता हूं तो और जल्दी समझ में आएगा। अगर यहां मंच पर कोई पुरुष खड़ा है और उसने मारवाड़ी पगड़ी बांधी हुई है तो आप देख के बता देंगे कि ये मारवाड़ का है। उसी के पड़ोस में एक और कोई भाई खड़ा है जिसने मेवाड़ी पगड़ी बांधी हुई है तो आप पगड़ी देखकर बता देंगे कि वो मेवाड़ का है। इसी तरह से अगर कोई तीसरा भाई खड़ा हुआ है और मान लीजिए उसने काठियावाड़ी पगड़ी बांधी हुई है, तुरंत आप देख के बता देंगे ये काठियावाड़ी है। तो ये जो पगड़ी बांधने के अलग अलग तरीके हैं ये संस्कृति है, पगड़ी जो है वो सभ्यता है। ठीक है, तो सभ्यता जो होती है वो संस्कृति से थोड़ी ऊंची होती है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सभ्यता जो है वो संस्कृति को धारण करती है। सभ्यता कॉमन है, वो सभी में है, संस्कृति स्थानीय है, अलग अलग। इसको अगर हम परिभाषित करें तो ऐसे परिभाषा इसकी बनेगी, सभ्यता एक जैसी होती है पूरे राष्ट्र की, वो अंतर नहीं करती। संस्कृति राष्ट्र के अंदर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती है। एक और उदाहरण देता हूं, अगर यहां कुछ हम संगीत का कार्यक्रम आयोजित करें, मारवाड़ी है या मेवाड़ी है लेकिन है राजस्थान, थोड़े दिन के बाद वो धुन बदल दे और आप कहें अरे ये तो असमिया है क्योंकि बिहू की थाप इसमें है, फिर थोड़ी देर के बाद वो धुन बदल दे तो आप कहेंगे ये तो कन्नड़ है, कर्नाटक का है। तो ये जो अलग अलग गीत एक ही हो सकता है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उसकी धुनें बदल सकती है। एक ही गीत हिंदुस्तान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से गाया जा सकता है। और एक उदाहरण देता हूं समझने के लिए, अगर मान लीजिए यहाँ भोजन की व्यवस्था है, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें आपने पूरी खाई है या पराठा खाया है या रोटी खाई है या तंदूरी रोटी खाई है या रूमाली रोटी खाई है या हाथ की बनाई हुई रोटी खाई है, ये सब रोटियों को खाते ही आप पहचान लेंगे कि ये किस क्षेत्र के आदमी की बनाई हुई है। या मिठाई है, मिठाई देखते ही खाते ही आप पहचान लेंगे कि ये तो लगता है जोधपुर वाले किसी ने बनाई है। हो सकता है मिठाई में जलेबी हो तो वो आप कहेंगे यार ये तो जयपुर स्टाइल की जलेबी है, कोई कहेगा ये जोधपुर वाली जलेबी है, कोई कहेगा ये बीकानेरी है, कोई कहेगा ये नागपुर वाली है। तो ये जो बीकानेरी, जोधपुरी, नागपुरी, ये तो सब संस्कृति हो गई और वो जो जलेबी है वो कॉमन, वो सभ्यता है, वो पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक जलेबी मिलती है, पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक रोटी मिलती है, रोटी बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। ज्वारी की रोटी यहाँ महाराष्ट्र में खाएंगे वो एक तरीके की है, वही कर्नाटक में खाएंगे तो बिल्कुल दूसरे तरीके की। तो भारत की सभ्यता तो एक है, संस्कृतियां इस देश में क्षेत्र के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, इलाके के हिसाब से विकसित हुई है। एक क्षेत्र की संस्कृति एक हो सकती है, दूसरे क्षेत्र की दूसरी हो सकती है। और एक उदाहरण दो, मान लीजिए कोई राजस्थानी परिवार है, आप उसमें प्रवेश करते हैं तो कहेगा पधारो साहब, आओ, स्वागत आपका करेगा, तो वो स्वागत करते हुए जो दो शब्द बोलेगा वो शब्दों को तुरंत पहचान के आप कहेंगे यार ये तो राजस्थानी परिवार है। ठीक है, और आप जब जाएंगे तो फिर कुछ बोलेगा, फिर से आना, पधार जो, फिर से आना, ऐसा कुछ बोलेगा, तो शब्दों के बोलने मात्र से अंदाजा लग जाता है कि ये परिवार राजस्थान का है। ठीक इसी तरह से शब्दों मात्र से बोलने से पता चल जाएगा ये कन्नड़ परिवार है, ये तेलुगु परिवार है, ये तमिल परिवार है। तो ये जो अलग अलग शब्दों का उच्चारण है ये संस्कृति है, लेकिन अभिवादन जो है वो सभ्यता है।
वो कॉमन है सब। अतिथि का स्वागत करना ये सभ्यता का हिस्सा है, वो पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम एक ही है, लेकिन स्वागत करने के तरीके जो है अलग अलग है, वो संस्कृति का हिस्सा है। तीन चार उदाहरण दिए, बात समझती है आपको? तो हम बात करते हैं अब संस्कृति की और थोड़ी सी सभ्यता की, क्योंकि सभ्यता की बात पहले करनी पड़ती है तब संस्कृति समझ में आती है। सभ्यता जो है मैंने आपसे कहा एक होती है, संस्कृति अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब भारत की सभ्यता की बात करें जिसमें से भारत की संस्कृति निकली है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचने की कोशिश करें कि सभ्यता पहले है या संस्कृति, मुर्गी पहले है कि अंडा, वही प्रश्न, तो निश्चित रूप से उदाहरण अगर आपके समझ में आएगा तो आप कहेंगे सभ्यता पहले है, संस्कृति उसके हिसाब से निकलती रहती है। तो सभ्यता किसी भी समाज की या किसी भी देश की एक होती है और वो पहले होती है, संस्कृति उसमें से निकलती चली जाती है, ये है महत्व की बात। तो भारत की सभ्यता एक है और भारत की संस्कृतियां स्थानीय स्तर पर अनेक हैं। अनेकता में एकता, ये जो बार बार आप सुनते हैं ना, इसका मतलब यही है कि विभिन्न तरह की संस्कृतियों के बीच में सभ्यता एक ही है, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी वाला जो टर्म है वो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, और डाइवर्सिटी जो है वो संस्कृति। और एक उदाहरण देता हूं और आसान को समझने के लिए, आप अगर हिंदुस्तान के गांव में जाएंगे, गांव में, तो आप देखेंगे कि कोई किसान है वो हल चला रहा है। हल अगर आप उसका ध्यान से देखने लगे तो हर क्षेत्र के हल अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे आप। राजस्थान के किसान जो हल चलाते हैं वहां की मिट्टी में पानी बहुत कम है, नमी बहुत कम है, तो हल की बनावट एक खास तरह की है। और वही आप केरल में चले जाएंगे तो वहां की मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा है, तो हल एक खास तरह की बनावट का है। हल दोनों जगह है लेकिन बनावट उसकी अलग अलग है। जहां पर मिट्टी में नरमी ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, वहां का हल ज्यादा गहराई तक नीचे जाना चाहिए, इसलिए हल का जो फल होता है वो लंबा होता है। लेकिन जहां की मिट्टी में पानी बहुत कम होता है, सूखी मिट्टी होती है, वहां गहराई तक जाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हल का फल छोटा होता है। ये संस्कृति है, लेकिन हल दोनों जगह कॉमन है, वो सभ्यता है। इसी तरीके से मूंग की दाल, एक कल्पना करें, मूंग की दाल की बात करें, मूंग की दाल सभ्यता है, लेकिन मूंग की दाल से बनने वाले विभिन्न तरह के जो व्यंजन है वो सब संस्कृति। कोई मूंग की दाल का हलवा बनाएगा, कोई मूंग की दाल का लड्डू बनाएगा, कोई मूंग की दाल को गर्म करके उबाल के ही खाएगा, तो कोई मूंग की दाल को कचौड़ी में डालेगा, तो कोई कुछ करेगा। ये जो विभिन्न पद्धतियां हैं मूंग की दाल को खाने की, ये सब संस्कृति निर्धारित करती है, लेकिन मूंग की दाल अपने आप में सभ्यता है। सभ्यता एक है, संस्कृति अनेक हो सकती है, इसी को भारत में कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विभिन्न तरह की संस्कृतियों के बीच में एक ही सभ्यता, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है जो दुनिया में किसी देश में नहीं है, किसी भी देश में। आप बोलेंगे जी क्यों? आप यूरोप में चले जाइए, यूरोप में लगभग छोटे बड़े कुल मिला के इस समय 51 देश हो गए, पहले तो 22-23 थे, जब से ये सोवियत संघ टूट गया ना छोटे छोटे 27 टुकड़ों में, तो वो सब अलग देश बन गए। तो अब यूरोप में लगभग 51-52 देश हैं। इन 51-52 देशों में उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम आप कहीं भी चले जाइए, आपको संस्कृति कहीं भी अलग नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ ये जो बात मैंने कही, सभ्यता तो एक मिलेगी, संस्कृति अनेक मिलेगी भारत में, यूरोप में नहीं है। यूरोप में उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम जाएंगे, अगर एक ही में उदाहरण दो, ड्रेस पहनने वाली ड्रेस, जैसे मैंने भारत की महिला का उदाहरण दिया कि एक एक राज्य की माताएं या महिलाएं अलग अलग तरीके से साड़ियां पहनती हैं, यूरोप में पूरे जगह आप चले जाएंगे स्कर्ट एक ही तरीके से पहनी जाती है, चाहे वो फ्रांस की कोई महिला हो, चाहे ब्रिटेन की हो, चाहे स्वीडन की हो, चाहे स्विट्जरलैंड की हो, चाहे डेनमार्क की। इसी तरह से पुरुषों में अगर आप देखेंगे तो सूट और टाई पूरे यूरोप में सभी देशों में एक ही तरीके से पहनी जाती है।
एक ही तरह का सूट होगा, कोट होगा, पेंट होगा, एक ही तरह की टाई होगी, बांधने के तरीके भी एक ही होंगे। रूस में किसी आदमी को आप सूट पहने देखेंगे तो टाई बांधने की जो तरीके हैं गांठ लगाने के, फ्रांस में देखेंगे वो भी बदलेगा। जर्मनी में चले जाएंगे तो वही मिलेगा, ब्रिटेन में आ जाएंगे तो वही मिलेगा। इन सब देशों की भाषाएं बिल्कुल अलग अलग हैं, वस्त्र सभी के एक जैसे हैं। अगर यूरोपियन व्यक्तियों को लाइन से खड़ा कर दिया जाए, एक फ्रांसीसी हो, एक जर्मन हो, एक डच हो, एक इटालियन हो, एक स्वीडिश हो, अगर वो बोले नहीं, मुंह बंद करके रखें, तो आप किसी को भी देखकर नहीं पहचान सकते कि ये कहाँ का है। बिल्कुल एक जैसा पहना, शर्ट होगी तो एक जैसी होगी, पैंट होगी तो एक जैसी होगी, टाई होगी तो एक जैसी होगी, सिर पर अगर हैट लगाएंगे तो भी वो लगभग एक जैसा ही होगा, सब तरीके उनके एक जैसे मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम भारतीय संस्कृति में करते हैं, सभ्यता में करते हैं, ये यूरोप में नहीं की जाती, क्योंकि वहां सब जगह एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं। एक बात, एक और उदाहरण देता हूँ, मिलेगा वो बिल्कुल एक जैसा। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, पाव रोटी मिलेगी आपको खाने के लिए, डबल रोटी मिलेगी खाने के लिए, तो पाव रोटी बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो गेहूं का आटा है, तो गेहूं का आटा तो कॉमन है, लेकिन गेहूं के आटे से बनने वाली पाव रोटी भी कॉमन है पूरे यूरोप, एक ही स्टाइल की, एक ही पद्धति, उसमें आपको दूसरे तरह की कोई पाव रोटी खाने को नहीं मिल सकती। या और एक उदाहरण दो, जो स्वीट डिश वो खाते हैं जिसको योगर्ट कहा जाता है, यूरोप में नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट कहीं भी चले जाइए, योगर्ट एक ही मिलेगा। और उदाहरण दो, आइसक्रीम जो उनकी स्वीट डिश में सबसे ऊपर है, पूरे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यूरोप, अमेरिका, कनाडा कहीं भी चले जाइए, आइसक्रीम एक ही तरह की होगी। फ्लेवर थोड़े बदल सकते हैं, फ्लेवर माने कहीं पे कुछ एक फ्लेवर मिलेगा कहीं पे दूसरा, लेकिन आइसक्रीम बनाने का तरीका पूरे यूरोप में एक ही होगा। आइसक्रीम में जो कॉमन चीज है वो है दूध, वो सिविलाइजेशन है, लेकिन आइसक्रीम बनाने के जो तरीके हैं वो कल्चर में आते हैं, लेकिन वो सब एक ही जैसे है, अलग कुछ भी नहीं। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जाती है, यूरोप में ये बात कोई नहीं करता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि वहां यूनिटी है नहीं, डाइवर्सिटी है नहीं, एक ही चीज है। सभ्यता और संस्कृति वहां पर अलग अलग नहीं है, जो कुछ सभ्यता में दिखाई देगा लगभग वैसा ही सब कुछ आपको संस्कृति में दिखाई देगा। भारत ही एक देश है जहां तीर्थ यात्रा, तो वहां के मंदिर देखते ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये मंदिर का डिजाइन कैसा है, गोपुरम होगा, छत्रपम होगा, मंडपम होगा, तुरंत आपके ख्याल में आ जाएगा कि यार ये तो साउथ का मंदिर है, दक्षिण का है। अगर मैं उसका नाम ना लूं, आपको कोई स्लाइड शो दिखाऊं कि देखो ये एक मंदिर, ये एक मंदिर, ये एक मंदिर, चार छह मंदिर देखते ही आप कहेंगे ये तो सब आपने जो भी दिखाया वो दक्षिण का है, ठीक है। और उसी तरह से आप उत्तर के मंदिरों को देखते तुरंत बता देंगे कि उत्तर का है। तो उत्तर का मंदिर और दक्षिण के मंदिर में आप देखेंगे डिजाइन में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, तो ये जो अंतर है डिजाइन का ये संस्कृति है, मंदिर जो है वो सभ्यता है, क्योंकि मंदिर सब जगह कॉमन है, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो या पश्चिम। तो जो कुछ भी कॉमन होता है समाज में, जिंदगी में, वो सभ्यता के खाते में जाता है, और जो कुछ भिन्न होता है वो सब संस्कृति के खाते में जाता है। ये दोनों खाते भारत में अलग चलते हैं, लेकिन बड़ा खाता है वो सभ्यता का है, क्योंकि वो सब में कॉमन है। अब आप शंकर जी की बात करें, आप भी शंकर जी की पूजा करते हैं, महेश की पूजा आपने की, दक्षिण वाले भी करते हैं, लेकिन आप शंकर जी को जिस तरीके से बिठाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे या उनकी पूजा करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, वो दक्षिण से बिल्कुल भिन्न। वो शंकर जी को जिस तरह से फूल मालाएं चढ़ाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, वो बिल्कुल भिन्न होगा। शंकर जी सभ्यता है और शंकर जी की पूजा करने की पद्धति वो है, वो संस्कृति। तो हमारे भारत में जो कुछ भी कॉमन हो जाता है वो सभ्यता के अंग में चला जाता है, और जो भिन्न रहता है वो संस्कृति के अंग में आ जाता है। मूल विषय ये है जो आज हम समझे। अब हम बात करें कि भारत की सभ्यता कुछ एक है, हर एक सभ्यता की अपनी कुछ मान्यताएं होती है,
कोई भी सभ्यता जब दुनिया में है जिन पर कोई बहस नहीं होती, संस्कृति के जो बिंदु और मापदंड है बहस उन पर होती है। तो भारत की सभ्यता के कुछ निश्चित मापदंड है, कुछ बिंदु है, उन पर कभी भी कोई बहस नहीं होती, और बहस होगी तो बेकार की होगी, मूर्खता की होगी, उसमें से निकलेगा कुछ नहीं। बहस जो होती है वो संस्कृतियों के बिंदुओं पर होती है। अब मैं फिर से आता हूं वापस उदाहरण पे, मूंग की दाल पे कोई बहस नहीं हो सकती हमने आपस में, लेकिन मूंग की दाल से आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं, मैं लड्डू बनाना चाहता हूँ, कोई बर्फी बनाना चाहता है, कोई हलवा बनाना चाहता है, उस पर बहस हो सकती है कि इसमें इतनी मूंग की दाल लगेगी, तो कहेगा नहीं नहीं इतनी नहीं लगेगी, इससे कुछ कम लगेगी, इसमें मिठाई कुछ ज्यादा लगेगी, आप कहोगे नहीं नहीं समझ। मूंग की दाल बहस का बिंदु नहीं है, मूंग की दाल से बनने वाली जितनी डिशेज हैं वो बहस का बिंदु हो सकती है। तो संस्कृति के जो बिंदु होते हैं उन पर बहस हुआ करती है, सभ्यता में कभी भी बहस नहीं होती। और जो समाज अपनी सभ्यताओं पर बहस नहीं किया करता वही दुनिया में सबसे आगे दिखाई देता है, और जो समाज अपनी सभ्यताओं पर बहस करने लगे या अपनी सभ्यता पर मानदंड पर मानने लगे क्वेश्चन मार्क, तो वो बहुत नीचे गिर जाता है। तो भारत सभ्यता के स्तर पर गिरा हुआ देश है आज की तारीख में, ना कि संस्कृति के स्तर पर गिरा हुआ। हम जो कहते हैं ना भारत की संस्कृति में गिरावट आ रही है, गिरावट संस्कृति में गिरावट कभी भी नहीं आती, क्योंकि संस्कृति तो पद्धतियों में से निकलती है। गिरावट सभ्यता के स्तर पर आती है, और वो गिरावट यही होती है कि हमने कुछ मान्यता जो मानी अपनी सभ्यता के लिए, उसमें हमने कोई कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया, या बहस करनी शुरू कर दी, या उस पर दूसरों की ओपिनियन जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है उनकी सुझाव को मुख्य मानकर अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया, तो गिरावट वहां से शुरू होती है। मैं एक उदाहरण दूं आपको, दुनिया में भारत के लोग सबसे ज्यादा बहस करते हैं अपनी सभ्यता पर, जो नहीं करनी चाहिए, बहस होनी चाहिए संस्कृति सभ्यता पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभ्यता के बिंदु बिल्कुल स्थिर हैं। आज भी, हजार साल पहले भी, 10,000 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले, या तब से जब से भारत बना, अगर भगवान श्री राम की हम कल्पना करें या श्री कृष्ण की कल्पना करें, तो नहीं बदलते। सभ्यता हमेशा स्थिर होती है, इसलिए उस पर बहस नहीं। जैसे मैं एक कल्पना के लिए आपको एक बिंदु दिखाता हूं, उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है इसलिए उदाहरण देता हूं। हम भारतवासियों के मन में अपनी सभ्यता का जो सबसे स्थिर बिंदु है वो क्या है, जो कभी नहीं बदला, आज भी है, आज से 10,000 साल पहले भी था, 1,00,000 साल पहले भी था, 1 करोड़ साल पहले भी था, या भगवान श्री राम कभी हुए हो 5.5 करोड़ साल पहले तो उस समय भी था, या कृष्ण कभी भी था, ऐसा कोई बिंदु आपके ध्यान में आता है, कोई एक बिंदु हमारी सभ्यता का जो करोड़ों साल से एक ही तरह से चला आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं, कुछ ध्यान में आता जी? मंदिर, श्रद्धा, बिल्कुल, श्रद्धा एक बिंदु है, मंदिर एक बिंदु है जो बदलता नहीं है, करोड़ों साल से है, तो श्रद्धा, ये मंदिर जो है ना श्रद्धा से निकला। मंदिर मैंने आपसे कहा ना वो संस्कृति है, मंदिर बदलता है, श्रद्धा नहीं बदलती। हम मानते हैं कि ये देवता है हमारा। अब कोई कहेगा यार ये तो पत्थर का टुकड़ा है, तो उसकी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है, किसी के लिए वो पत्थर का टुकड़ा हो सकता है लेकिन हमारे लिए वो देवता से भी ज्यादा है। तो ये जो श्रद्धा है वो सभ्यता का बिंदु है, मंदिर संस्कृति का, मंदिर बदल सकता है, आज एक स्टाइल का है कल दूसरे स्टाइल का हो सकता है, आज आपके पास बहुत पैसा है तो सोने का मंदिर बना लेंगे, कल को पैसा कम हो जाएगा तो कंक्रीट का बनाएंगे, सीमेंट का बनाएंगे, मंदिर बदल जाएगा, लेकिन श्रद्धा जिससे आपने मंदिर बनाया वो करोड़ों साल वैसे के वैसे रहने वाली है। तो एक बिंदु निकला श्रद्धा, ये सभ्यता का बिंदु है, इस पर बहस नहीं होती, श्रद्धा है तो है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई हमारी श्रद्धा है कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए, अब इस पर बहस नहीं हो सकती, अदालत ये कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे, नहीं जी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पैदा हुए थे, ये अयोध्या उस समय की अयोध्या नहीं है, ऐसे तर्क चलते हैं ना, ये अयोध्या उस समय की नहीं है,
ये कोई 500 साल बाद की है या पुरानी अयोध्या तो डूब चुकी है, ये कोई नहीं, ये बहस नहीं होती। हमारा मन कहता है कि जी भगवान राम का जन्म स्थान ये है तो वो खत्म हो गया, अब उस पर बहस नहीं होती। मंदिर पर बहस हो सकती है, मंदिर छोटा कर लो, बड़ा कर लो, कम कर लो, ज्यादा कर लो, सोने से कर लो, चांदी से कर लो, हीरे जवाहरात जड़ लो, या ऐसे ही बना लो, लकड़ी का बना लो, जो जैसा करना है, मंदिर बहस का बिंदु है। लेकिन भगवान राम का जन्म स्थान वो श्रद्धा का प्रश्न है। बात समझती है? हमने मान लिया कि भगवान महावीर यहाँ पैदा हुए थे, यही उनका गांव है, अब हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड हो, ऐसा कोई और बिंदु ख्याल में आता है आपके? दूसरा कोई बिंदु जो बदलता नहीं, करोड़ों साल ऐसे चलता? कोई भी मम्मी बड़ों का सम्मान, और 21वीं शताब्दी में जब घोर कलयुग है तब भी बड़ों का सम्मान वैसे ही चला आ रहा है। हम इससे भटकते हैं तो चिल्लाना शुरू करते हैं, यार हमारी सभ्यता बिगड़ गई है। जब हम बड़ों का सम्मान न करें तो हम चिल्लाना शुरू करते हैं कि सभ्यता बिगड़ गई। लेकिन बड़ों का सम्मान ये एक स्थापना बिंदु है भारतीय सभ्यता का, जो करोड़ों साल पहले लिखा, करोड़ों साल आगे भी रहेगा। दो बिंदु हो गए, बड़ों का सम्मान, एक श्रद्धा। तीसरा को ध्यान में आ गया, राजनीति। इस पर डाउट है। राजनीति जो है ना वो संस्कृति का हिस्सा, संस्कृति के खाते में विश्वास है। हाँ, विश्वास। विश्वास और श्रद्धा बहुत नजदीक के हैं ना, इसलिए हम कहें तो श्रद्धा ऑब्लिक विश्वास बहुत नजदीक के दोनों शब्द हैं, ज्यादा अंतर नहीं। विश्वास बदलता है, जो फर्म है, फर्म है, हमने जैसे कहा ना हमारा विश्वास है कि ये तो भगवान का ही पत्थर है। आप कभी कभी गांव में जाते हैं ना, कई बार गांव वाले कहते हैं तुमको मालूम है पांडव 7 दिन मेरे गांव में आके रहे थे। अब आप उसको बहस नहीं कर सकते, अब आप ये कहना शुरू करें सबूत दिखाओ पांडव तुम्हारे गांव में 7 दिन रहे थे, वो कहीं ले जाएगा पत्थर पर कोई बड़ा सा पैर दिखाएगा, देखो ये भीम का पैर। अगर हम उसकी कार्बन डेटिंग करें तो निकल भी सकता, नहीं भी निकल सकता, लेकिन उस पर बहस नहीं होती। हाँ ठीक है भाई ये भीम का पैर है। मैं पूरे देश में प्रवास करता हूँ तो अक्सर गाँव में लोग कहते हैं तुमको मालूम है कृष्ण जी और रुक्मिणी को लेके आए थे तो हमारे गाँव में रुके थे एक रात, पहला पड़ाव उनका यही हुआ था। तो मैं मान लेता हूँ वहां रुके होंगे, उस पर बहस नहीं की जा सकती क्योंकि वो मान्यता है, विश्वास है। ये विश्वास जो है ना बड़ी चीज होती है, इसी पर से सारी दुनिया बना करती है। तो हमारी जो सभ्यता के स्थापन बिंदु है वो एक श्रद्धा हो गया, विश्वास हो गया, बड़ों का सम्मान हो गया। चौथा कोई बिंदु ध्यान आता है? आपके मन में से रहती है इंसानियत, ठीक है, जीव दया, प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा, ये सब सभ्यता के स्थापन बिंदु हैं जो बदलते हैं। अहिंसा आज भी है, राम जी के जमाने में भी थी। प्रेम, दया, करुणा आज भी है, महावीर जी के जमाने में भी थी। तो दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, धर्म, ये जो सारे शब्द हैं ना, ये सभ्यता के स्थापन बिंदु हैं। अब सबसे आखिर में मैं आता हूँ। मैंने इन स्थापन बिंदुओं को बहुत दिन अभ्यास किया अलग अलग तरीके से, और मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनमें सबसे पहला स्थापन बिंदु क्या है। सबसे पहला जो सबसे पहले आया सभ्यता के साथ, सबसे पहला स्थापन बिंदु जिसमें से ये सब विकसित होते चले गए, तो वो मुझे बहुत दिन सोचने, विचारने, बहस करने के बाद, मेरे अपने गुरु से श्री धर्मपाल जी, उनसे बहुत दिन बहस करने के बाद, जो स्थापन बिंदु सबसे पहला है भारतीय सभ्यता, जहां से दुनिया में बिल्कुल अलग दिखाई देती है, वो है पुनर्जन्म, रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। वो दुनिया में कहीं नहीं। पुनर्जन्म एक ऐसा स्थापन बिंदु है जो भारतीय सभ्यता में ही है और कहीं नहीं। बहुत सारे स्थापन बिंदु ऐसे हैं जो हमारी सभ्यता में है और दूसरी सभ्यता में भी है, जैसे श्रद्धा हमारे यहाँ भी है। हम मानते हैं कि ये तो राम जी का जन्म स्थान है, तो इस्लाम वाले कहते हैं कि जो ये जो जेरूसलम है इसमें तो हमारे पैगम्बर मोहम्मद पैदा हुए थे और ये हमें चाहिए, ये हमारा ही स्थान है, इसलिए फिलिस्तीन और इसराइल दोनों लड़ रहे हैं और 50 साल से लड़ रहे। इजरायली लोग कहते हैं कि हमारे जो हुआ यहीं पे पैदा हुए थे, यहूदी धर्म के जो आदि संस्थापक माने वो यहीं हुए थे, वो कहते हैं जी पैगंबर मोहम्मद ये हुए थे, कोई कहता है ईसा मसीह भी यहीं हुए थे। तीनों धर्म वाले पिता का जो नींव है वो पुनर्जन्म, और
अगर आप इसको ध्यान से देखना शुरू करें तो जिस सभ्यता में से पुनर्जन्म निकलेगा वहां अहिंसा धर्म अस्तेय परिग्रह ये सब निकलेगा, क्योंकि आपको एक जन्म तो है नहीं, जन्म आपका बार बार है। तो अगर बार बार जन्म लेना है और बार बार जीवन बिताना है तो जीवन चलाने के लिए बहुत कुछ आपको लगेगा, पानी चाहिए, हवा चाहिए, वृक्ष चाहिए, ये चाहिए। इसलिए सब लोगों को ये सिखाना ही पड़ेगा कि भाई पढ़ रहे उतना ही लो, बाकी आने के लिए छोड़ दो। तो पुनर्जन्म अगर आप मानते हैं तो अपरिग्रह मानना ही पड़ेगा। अगर आप पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो अपरिग्रह छोड़ सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप पुनर्जन्म को माने और अपरिग्रह को ना माने। आप कहें जी मैं तो नहीं मानता परिग्रह को, मैं तो परिग्रह परिग्रह में ही बात करूंगा, तो फिर पुनर्जन्म ध्वस्त होने वाला है। तो पुनर्जन्म हमारी सभ्यता का मूल बिंदु है, प्रस्थान बिंदु है, और ये सबसे ज्यादा दुनिया में विचार चिंतन के बाद विकसित हुआ भारत में पुनर्जन्म का सिद्धांत। और ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, मैंने आपसे कहा ना सभ्यता के स्थापन बिंदुओं उन पर बहस नहीं होती, तो ये हमारे खून में ऐसे घुसा हुआ है हम इस पर बहस नहीं करते, करते हैं सबसे कम बहस इसी पर होती है। मानते हैं कि पुनर्जन्म लोग रात दिन लगे रहते हैं लाखों पर, और उसका उदाहरण देखना हो तो हर शहर में उपलब्ध है। मैं अगर ये वस्त्र छोड़कर भगवा कहें और मोक्ष की बात करना शुरू कर दो तो इसी नागपुर में मेरा व्याख्यान करने के लिए जगह नहीं मिलेगा। 10 लाख लोग 20 लाख लोग 50 लाख लोग, क्योंकि वो उनके चिंतन में सबसे उच्चतम स्तर पर है। तो जो भी उनको पुनर्जन्म की बात करेगा, मोक्ष की बात करेगा, इस दुनिया से परलौकिक दुनिया में बेहतर जिंदगी देने की बात करेगा, वहां सबसे ज्यादा लोग जाएंगे ही, आप चाहे कितना रोकने की कोशिश करें। होता है प्रधानमंत्री की सभा करनी पड़े तो 100 रुपए देके बुलाना पड़े और लंच और डिनर पैकेज भी देना पड़े, लेकिन अगर कोई पुनर्जन्म का पारलोक का जीवन सुधारने वाला आ जाए तो बिना आप किसी को सूचना दिए बस एक पोस्टर लगा दो, लाखों लोग अपने आप आएंगे, अपना खर्चा करेंगे, गाड़ी में डीजल डालेंगे, समय बर्बाद करेंगे, नींद खराब करेंगे और आएंगे। क्यों? पुनर्जन्म हमारी मान्यता में सबसे गहराई तक घुसा हुआ है, क्योंकि वो नींव है, उसी पर हम खड़े हुए। तो पुनर्जन्म भारतीय सभ्यता का सर्वोच्च शिखर कहिए या सर्वोत्तम स्थापन बिंदु कहिए, जो कहना है। इस पुनर्जन्म से भारतीय सभ्यता दूसरों की सभ्यता से अलग है। आप चाहे तो इस्लाम की सारी किताबें पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, हदीस पढ़ लीजिए, जो भी कुछ पढ़ना, कहीं भी पुनर्जन्म नहीं। आप ईसाइयत की सब किताबें पढ़ लीजिए, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए, न्यू टेस्टामेंट पढ़िए, डेकार्ते को पढ़िए, लेविनस को पढ़िए, प्लेटो को पढ़िए, अरस्तु को पढ़िए, किसी को भी पढ़िए, पुनर्जन्म कहीं नहीं। यहूदी धर्म की जितनी भी किताबें हैं, सबसे मुख्य है जैनावस्था, उसको पढ़िए, कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन भारत में कोई भी किताब ऐसी नहीं मिलेगी धर्म की जिसमें पुनर्जन्म ना हो। एक किताब आप ढूंढ के दिखा दीजिए भारतीयता में, शास्त्र के रूप में, जिसमें पुनर्जन्म ना। यहाँ पुनर्जन्म हर जगह मिलेगा, क्योंकि वो स्थापन बिंदु है। तो यहाँ से हमारी सभ्यता का स्थापन बिंदु तय हुआ कि हम दुनिया में मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। अब इस पर आप कहोगे कि इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है, ये मूर्खता की बात है। ये जो हम कहते हैं ना पृथ्वी पवित्र, वो कहेगा रविवार, और इसको पूछ लीजिए इस्लाम वाले को, तुम्हारा कौन सा दिन पवित्र है? शुक्रवार। तीन धर्म है, माने तीन सभ्यताएं हैं, एक ईसाइयत की है, एक यहूदी है और एक इस्लामिक सभ्यता है। तीनों के तीन अलग अलग पवित्र दिन है, एक का शुक्रवार, एक का शनिवार, एक का रविवार। और आपको मालूम है ये तीनों सभ्यताएं एक ही गांव में से पैदा हुई। एक ही गांव है दुनिया में जिसका नाम है जेरूसलम, वहीं से ईसाइयत निकली है, वहीं से यहूदी निकला और वहीं से इस्लाम निकला। एक ही गांव में से निकली तीन सभ्यताएं, लेकिन तीनों एक ही दिन को पवित्र नहीं मानते। बात समझ में आ रहा है? एक कहेगा शुक्रवार पवित्र, एक कहेगा शनिवार, एक का। और ये शुक्रवार शनिवार रविवार का झगड़ा इतना जबरदस्त है कि पिछले 2500 साल करोड़ों लोग मर गए इसमें, करोड़ों युद्ध हुए हैं सिर्फ इसी को तय करने के लिए कि कौन सा दिन पवित्र। तुम नहीं मानते रविवार पवित्र, काट दो इसको, मार डालो,
ये नहीं मानते शुक्रवार पवित्र है इनको मार डालो सर, ये नहीं मानते शनिवार पवित्र है इनको मार डालो। करोड़ों लोगों को पिछले 2500 साल की बात नहीं करता मैं तो, पिछले 50 साल की बात कर रहा हूँ। पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं ये झगड़ा जबरदस्त चल रहा है, शुक्रवार और रविवार या शनिवार। वो फिलिस्तीन का झगड़ा है ना अरबों और इसराइलियों में, ये झगड़ा तो दिन के ही पवित्रता को तय करने का झगड़ा है। 50 साल से हल नहीं हुआ, अगले 50 साल नहीं होगा या 200 साल भी नहीं होगा। क्यों? पुनर्स्थापना का बिंदु नहीं है कोई मजबूत उनके पास, इसलिए झगड़े तय नहीं हो पाते। हमारे यहाँ सभी झगड़े आसानी से तय हो जाते हैं क्योंकि पुनर्स्थापना का मजबूत बिंदु है। कोई भी बड़े से बड़ा झगड़ा हो, अरे यार क्या लेना देना, अगला जन्म लेना है कि नहीं है, छोड़ो इसको, नहीं कहा इसको लगा के फंसे हुए कह देते हैं कि नहीं। जब गांव में बड़े से बड़े झगड़े निपटते नहीं है तो ये एक आधार बिंदु लाके बड़े से बड़े झगड़े खत्म कर दिए जाते। क्या दुश्मनी पालना, अगला जन्म तुम्हें भी लेना मुझे भी लेना, तो ये दुश्मनी कितने दिन रखना, खत्म करो, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो जिन सभ्यताओं में स्थापना बिंदु मजबूत होता है वहां दृष्टि दूसरी होती है, जो मैं समझाना चाहता हूँ, विजन अलग। और जिन सभ्यताओं में स्थापना बिंदु नहीं होते हैं वहां विजन नहीं होता। ये जो मैंने आपसे कहा कि हम आपस में खराब से खराब झगड़े निपटा सकते हैं पुनर्जन्म के नाम पर, ये हमारा विजन है, दृष्टि। और यूरोप और अमेरिका वाले किसी भी बड़े से बड़े झगड़े को निपटा नहीं सकते, ये उनका विजन है, उनकी दृष्टि है, क्योंकि स्थापना बिंदु उनके पास कोई ताकतवर नहीं है। तो अब बात आती है और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि एक सभ्यता होती है उसके कुछ स्थापना बिंदु। हम जब कहते हैं ना पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म हो सकता है, हो सकता है मनुष्य का मिले, हो सकता है गाय बैल भैंस बकरी का मिले, हो सकता है चींटी भी हो जाए, हो सकता है हाथी भी हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी चराचर जगत में योनियां हैं मनुष्य को छोड़कर, मनुष्येतर योनियां, उनकी संख्या 84 लाख है। इनमें से किसी में भी हम जा सकते हैं, कर्म के फल के सिद्धांत के अनुसार ये तय होगा, यही है ना। अच्छा कर्म करेंगे तो गारंटी है अगले साल, माने अगले जन्म की, जो नहीं किया तो गारंटी नहीं है। गारंटी ये है कि कुछ खराब जन्म मिल जाएगा, चींटी हो गए, मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, मकोड़े हो गए, सांप हो गए, कीड़े हो गए, है ना। वो कभी कभी गाली देते हैं ना, अगला जन्म सांप का मिलेगा, गांव में सुना है, जब बहुत गुस्सा आ जाए किसी को तो अगला जन्म तुझे सांप का मिले, बिच्छू का मिले, इस तरह से लोग गालियां दे देते हैं एक दूसरे, सुनते हैं ना, मैं भी सुनता हूँ बचपन से इस तरह से सुनता हूँ। तो ये जो सांप बन जाना, बिच्छू बन जाना, ये दृष्टि है, विजन है। अब इस विजन में परफेक्शन जितना होगा सभ्यता उतनी ऊंची होगी। तो हमने ये विजन बनाया कि पुनर्जन्म है वो सभ्यता का स्थापन बिंदु है, उसका विजन ये है कि अगला जन्म हमें लेना है, 84 लाख योनियां है, इसमें से किसी भी योनि में जन्म मिले तो भाई खराब काम मत करो, गलत काम मत करो, अधर्म की स्थापना मत करो, अधर्म के साथ मत चलो, नहीं तो अगला जन्म हो सकता है सांप का मिल जाए, जो आप सिर्फ डसने का ही काम करें दोस्तों। तो ये एक तरह की दृष्टि है, इसी को जीवन दृष्टि कहते हैं, विजन ऑफ द लाइफ। हम देखते कैसे हैं दुनिया को, तो हम दुनिया को ऐसे देखते हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्यों की हमारी अपनी एक सभ्यता है जिसको भारतीय सभ्यता हम कहते हैं, उसकी स्थापना बिंदु है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और हमारी स्थापना है कि पुनर्जन्म 84 लाख योनियों में होता है। तो ये 84 लाख योनियां हैं, चींटी की एक योनि है, मक्खी की है, मच्छर की है, हाथी की है, खरगोश की, जो भी हमें दिखाई देता है जीव जगत में, वो सबकी योनियों में हमारा जन्म हो सकता है। तो जितनी भी योनियां हैं वो सभी के साथ सह अस्तित्व में हैं, क्योंकि पुनर्जन्म तो होने वाला है ना कर्म के हिसाब से, किसी को मक्खी का, किसी को मनुष्य का, तो मनुष्य भी चाहिए और मक्खी भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? नहीं तो जिनको मक्खी का होने वाला है और आपने मक्खी की योनि ही खत्म कर दी तो वो क्या करेंगे बेचारे अगले जन्म में? कुछ तो बनेंगे ही ना मक्खी, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस जन्म में कुछ मक्खियां तो है ही ना, तमाम तरह का डीडीटी, एंटोसल्फान, मेलाथियन, पैराथियन स्प्रे करके 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 भी मक्खियां है ना, मच्छर है ना, इतना मॉस्किटो कॉइल जलाते 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 मच्छर भी है ना। ऐसा नहीं है कि मच्छर हमेशा के लिए खत्म हो गए हो या मक्खियां बिल्कुल मर गई हो,
और हमारी सरकार है जगह जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं, फिर भी कुत्ते हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं कि कुत्तों की संख्या मत बढ़ने दो, इनकी नसबंदी कराओ, जबरदस्ती कराओ, फिर भी कुत्ते हैं। इतने बड़े बड़े कत्ल खाने इस देश में चल रहे हैं जिनकी संख्या 35-36 हजार है, 4.5 करोड़ जानवरों को हर साल वो काट रहे हैं, फिर भी जानवर है ना। तो ये हमारी जीवन दृष्टि है। जीवन दृष्टि ये है कि कहीं भी कोई भी कभी भी पूरा खत्म नहीं होता, ये बात है जीवन दृष्टि, कहीं भी कभी भी कोई भी पूरा खत्म नहीं होता। और एक उदाहरण से समझाता हूं, जंगल की आपने कहानियां सुनी है, जंगल को देखा भी होगा, जंगल में आप सब जानते हैं सबसे ताकतवर शेर है या बब्बर शेर है। तो बब्बर शेर अकेला है क्या? उसके साथ चीते भी हैं, हिरन भी हैं, खरगोश भी हैं, है कि नहीं? इतना ताकतवर बब्बर शेर जिसको आपने खुला छोड़ रखा है जंगल में करोड़ों साल से, फिर भी चीते हैं, लकड़ भगे हैं, खरगोश हैं। माने बब्बर शेर सबको मार के नहीं खा पाता, माने कुछ तो रह ही जाते हैं। ये जीवन दृष्टि है। और इस जीवन दृष्टि को हमने पता है किस सिद्धांत में बांधा है? हमने ये सिद्धांत में बांधा है कि प्रकृति संतुलन करती है, प्रकृति हरेक का संतुलन करती है। शेर है तो शेर के साथ चीता भी है, चीता है तो उसके साथ हिरन भी है, हिरन है तो उसके साथ खरगोश भी है, खरगोश है तो उसके साथ सांप भी है, अजगर भी होगा, करत भी होगा, रसल स्वाइपर सब होंगे, कोई किसी को खत्म नहीं कर पाता। ये भारत की जीवन दृष्टि। गंभीर तो नहीं हो रहा ज्यादा विषय? अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते। हमारी अपनी एक जीवन दृष्टि है, हमारी अपनी एक सभ्यता है, सभ्यता का एक स्थापन बिंदु है, उसमें से हमारी जीवन दृष्टि है। और जीवन दृष्टि है जब हमने ये मान लिया कि प्रकृति सबका संतुलन रखती है, मक्खी भी चाहिए, मच्छर भी चाहिए, क्योंकि अगला जन्म तो लेना ही है ना मक्खी मच्छर का। तो हमने इस फिलॉसफी को बांधने के लिए एक तत्व दे दिया, या हमारे किसी महान व्यक्ति ने दे दिया, जियो और जीने दो, क्योंकि संतुलन तो रखना ही है ना, अगले जन्म के लिए रखना। ये बांधता है पूरा, जियो और जीने दो। ये एक एक्सप्लेनेशन हमारी पूरी सिविलाइजेशन की कहानी कह देता है। जियो और जीने दो सभ्यता का बिंदु नहीं है, जियो और जीने दो हमारी जीवन दृष्टि है। सभ्यता का बिंदु तो पुनर्जन्म है, जो महावीर स्वामी भी मानते हैं और गौतम बुद्ध भी मानते हैं, जो आज से 2500-3000 साल पहले, वो भी मानते हैं पुनर्जन्म, हम भी मानते हैं। तो जीवन दृष्टि हमारी ये है, जियो और जीने दो, हमारी प्रकृति में जो कुछ भी है उसके संतुलन से अपनी दुनिया चलाओ। ऐसा मत करो कि कोई एक चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो आप भी खत्म हो जाओगे। यहां तक आकर अब बात में थोड़ी डाइवर्ट करता हूं। हमारी अपनी सभ्यता, हमारी अपनी जीवन दृष्टि, हमारी अपनी स्थापना। अब जरा यूरोप की बात करें। जब हम विदेशी संस्कृति और विदेशी सभ्यता की बात करते हैं तो उसका मतलब सीधा सा यूरोप है। अमेरिका यूरोप का ही हिस्सा है, ये आप सभी जानते हैं, मानते हैं कि नहीं? अमेरिका यूरोप का एक्सटेंशन है, अमेरिका अपने आप में कोई सिविलाइजेशन नहीं, और अमेरिका यूरोप का सबसे नया देश है, 250 साल पुराना, ज्यादा से ज्यादा। यूरोप के सबसे पुराने देशों में से एक है यूनान, जिसकी उम्र कम से कम 3-3500 साल। यूनान, ग्रीस 4500 साल पुराना, अमेरिका मात्र 250 साल। तो अमेरिका कोई नई सभ्यता नहीं है, यूरोप की सभ्यता का ही एक तरह से रूपांतरण है, एक्सटेंशन। तो जब भी मैं बात करूंगा यूरोप, तो आप ध्यान रखना इसमें अमेरिका भी शामिल है, कभी भी मैं नाम लूं या ना लूं। तो अब हम बात करते हैं विदेशी सभ्यता। विदेशी सभ्यता क्या है, उनकी स्थापना बिंदु क्या है? सीधे से विदेशी सभ्यता माने यूरोप की सभ्यता का स्थापना बिंदु है पुनर्जन्म नहीं होता, मानते ही नहीं। आप अगर ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है किसी भी मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। वो कभी कभी कहते हैं ईसा का हो सकता, मनुष्य का नहीं होता। हमारे यहां क्या कहते हैं, सभी का पुनर्जन्म होता है, मनुष्य हो या ईश्वर। उनके यहां क्या है,
पुनर्जन्म सिर्फ ईश्वर का हो सकता है, होता है नहीं, हो सकता है। इसलिए वो बोलते हैं कि ईसा को सूली पर लटका दिया, थोड़े दिन के बाद वो फिर जीवित हो गए और अपने शिष्यों को उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा, उसी को उन्होंने 10 कमांडमेंट्स के रूप में अपने धर्म का आधार बना दिया। यही है ना पूरी कहानी उनकी। तो उनके यहाँ पुनर्जन्म नहीं है, हमारे यहाँ पुनर्जन्म है। क्योंकि हम पुनर्जन्म की बात करते हैं इसलिए प्रकृति को संतुलन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगला जन्म लेना, और वो पुनर्जन्म की बात ही नहीं करते हैं, तो उनको क्या लेना देना प्रकृति के संतुलन से। प्रकृति रहे या जाए, बाहर में रहे या चूल्हे में जाए, आग लग जाए ना लगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उनके जितने भी धर्मशास्त्र हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रकृति का भोग करो, खत्म हो जाए तो हो जाए, उसकी चिंता करने की बात नहीं। अब वो चिंता कर रहे हैं धर्म के आधार पर नहीं, पर्यावरण के आधार पर। गर्मी बढ़ गई है, आइस पिघल रही है, पानी बढ़ जाएगा, 1 मीटर पानी अगर समुद्र में बढ़ा तो यूरोप के 23 देश डूब जाएंगे, 50 लाख से ज्यादा यूरोप की आबादी डूब जाएगी। ये चिंता उनको धर्म के आधार पर नहीं हो रही है, ये चिंता उनको पर्यावरण के आधार पर हो रही है, क्योंकि दृष्टि उनकी वैसी है। तो उनकी दृष्टि में चूंकि स्थापना नहीं पुनर्जन्म की, इसलिए दृष्टि ऐसी है संकुचित, आप कहें या जो नाम देना हो दें, कि वो सिर्फ अपने लिए जिएंगे। अगला जन्म तो है नहीं, जो करना इसी जन्म में करो, पाप करो, पुण्य करो, भोग करो, भोग करो, ज्यादा भोग करो, कम करो, जो करना है वो यही जन्म है ना, अगला तो कुछ जन्म है ही नहीं। तो इसलिए उनके यहाँ जो भी कुछ करना है इसी जन्म में करना है, और ये जन्म तो 100 साल का ही है, तो हर काम उनको जल्दी करना है, हर काम जल्दी करना, क्योंकि 100 साल का ही जिंदगी, ज्यादा ज्यादा 125 साल एवरेज एज उनकी 100 साल मानते हैं, 70-80 से 100, तो सब कुछ करना होगा तो जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि 100 ही बरस में सब कुछ करना है। हम क्या करेंगे जी, हमको तो ये जन्म है, अगला जन्म है, फिर और अगला जन्म है, तो क्या जल्दी जल्दी करना है, हड़ू हड़ू सावकाश, सब काम हम धीरे धीरे करें, क्या जल्दी पड़ गए। कहते ना क्यों जल्दी, हम तो बोलेंगे जल्दी का काम शैतान का, और वो बोलते हैं जल्दी का काम इंटेलिजेंट का। यूरोप में बिल्कुल उल्टा, जो जितनी जल्दी करेगा वो उतना इंटेलिजेंट, और हमारे यहाँ जो जितनी जल्दी करेगा वो उतना मूर्ख। मैं ही अपने जीवन में बहुत बार देखता हूँ, गांव के लोगों के बीच में जाता हूँ, साधारण लोग मुझसे सवाल करते हैं, राजीव भाई आप इतनी धड़पड़ क्यों करते हैं, आज ये गाँव कल वो गाँव, आराम से टिक के बैठो ना। तो मैं उनको कहता हूँ यार 7,32,000 गाँव है, ठीक करना है, तो क्या यही जन्म है, अगले जन्म में कर लेना। तो मुझे लगता है कि सच में वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुझमें यूरोपियन सभ्यता के लक्षण दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल खरे भारतीय। उनको गंभीर में शुरू करना चाहता हूं, जब आपकी जीवन दृष्टि ऐसी है तो आपकी जरूरतें भी वैसी ही होंगी, होंगी क्या। जब आपकी जीवन दृष्टि जल्दी वाली है और प्रकृति में तो कुछ है नहीं, जो है हमारे भोग के लिए, खत्म होती है हो जाए, नहीं होती है नहीं हो जाए, तो हमारी जरूरतें दूसरी तरह की होंगी, ठीक है। और जरूरतें हमारी अलग तरह की होंगी तो जरूरतों में से निकलने वाली तकनीकी भी अलग तरह की होगी, टेक्नोलॉजी जिसको आप कहते हैं। उनकी जरूरतें अलग तरह की है तो उनकी टेक्नोलॉजी भी अलग तरह की होगी। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो जरूरत आधारित होती है, कभी भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो जरूरत आधारित होती है। तो हमारी जरूरतें धीमे 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 वाली है, उनकी जरूरतें बहुत फास्ट 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 वाली है, क्योंकि दूसरा जन्म है नहीं, पुनर्जन्म है नहीं। तो उन्होंने हवाई जहाज बनाया, रॉकेट बनाया, सुपरसोनिक बना रहे, और उससे आगे जाएंगे। अभी कहते हैं जी जितने स्पीड से जाता है वायु में ये साउंड का जो स्पीड है, हम उससे भी ज्यादा स्पीड के हवाई जहाज बनेंगे। कॉन्कॉर्ड बनाया 1200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार वाला, और अभी भी वो शांत नहीं है, वो कहते हैं अभी 1500 किलोमीटर वाला हो, 2000 किलोमीटर वाला हो, तो वो उसी तरफ जाएंगे और उसको कहेंगे हम विकास कर रहे हैं। हमारा क्या है, हमारी तो जरूरत ही दूसरी है, हड़ू हड़ू यहाँ सावकाश का, तो हड़ू हड़ू चला सावकाश चला, यही होगा ना। जब खाना धीरे धीरे खाएंगे तो चलना भी धीरे धीरे है, और धीरे धीरे चलना है तो हम बैलगाड़ी ही बनाएंगे, हम क्यों सुपरसोनिक में जाएंगे। अब बैलगाड़ी और सुपरसोनिक बेस दोनों का एक ही है पहिया,
व्हील, तो व्हील से हम बैलगाड़ी बनाएंगे और व्हील से वो सुपरसोनिक जेट बनाएंगे।